You're watching City News 24x7. आप सबका इस्तकबाल है सिटी न्यूज 24x7 पर। AIMIM पार्टी MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब ने BRS स्कीम पर बात करते हुए कुछ अहम बातें कही। जैसे उन्होंने दरख्वास्त किया कि BRS स्कीम को तेलंगाना भर में लाया जाना चाहिए। ये BRS स्कीम को लागू किया जाएगा कुछ इस तरह कि एक कॉपरेटर के तहत 4 वार्ड मेंबर्स में तकसीम किया जाएगा और उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी कि गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जाएगा या तोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ खातूनों के लिए 50% रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। आगे की तफसलात सुने अहमद बलाला और KTR की जुबानी। हर अहम खबरों के लिए सिटी न्यूज 24x7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। स्पीकर साहब, मैं मेरी पार्टी की जानिब से जो म्यूनसिपल अमेंडमेंट के अंदर 4 अमेंडमेंट्स जो अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं उस अमेंडमेंट्स का खैर मकदम करता हूं। हमारी पार्टी इस अमेंडमेंट्स को सपोर्ट करती है और साथ ही साथ जो ख़ास तौर के ऊपर मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहूँगा कि जो आप एक कॉरपोरेटर डिवीज़न के अंदर 4 हिस्सों में उसको तकसीम कर 4 वार्ड मेंबर्स वार्ड कमेटीज़ उसको बना रहे हैं, उसके अंदर उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी आप दिए हैं, उनको रिस्पांसिबिलिटीज़ भी आप दिए हैं कि आप 80% ऑफ ग्रीनरी मेंटेन करना, जितने भी प्लांटेशन स्ट्रीट लाइट्स मेंटेन करना, यहाँ तक के इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस को भी वो लोग फॉलोअप करना। मैं अब आने वाले इंतखाबात है और ये बिल है जिसमें महिलाओं को 50% रिजर्वेशन जो गुज़िश्ता में जियो के ज़रिए किया गया था, अब आप इसको बिल लेकर आकर 50% ख़वातीन को इसके अंदर रिजर्वेशन दे रहे हैं। हम इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि मिनिस्टर साहब, हम कॉरपोरेटर्स और MLAs के टॉर्चर से तंग आ चुके हैं आम आवाम। आपको ज़रूरी है कि एक बार आप BRS की स्कीम लेकर आइए ताकि वन टाइम इसका इशू, इसका ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस और डिविएशंस का जो हाल है वो उसको एक सही रास्ता दिखा सके। आज जो भी लोग डिविएशन कर रहे हैं वो बल्दिया के अमले से ज़्यादा कॉरपोरेटर्स और MLA से तंग आ चुके हैं, वो लोग ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार BRS स्कीम लेकर आकर इसको रेगुलराइज कराइए ताकि जितने भी बिल्डिंग्स जो बन रहे हैं वो आवाम जो बना रही है, जो लोग गरीब लोग जो बना लिए हैं उनको राहत मिले, आपके बिल्डिंग्स भी आपका स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं। तो मैं आपके जरिए इस मौके का फायदा उठाते हुए कहूंगा कि आप एक फाइनल BRS स्कीम लेकर आइए ताकि आवाम को इसका फायदा हो सके।